हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द एग्जाम्स मेड सिंपल एंड वी आर बैक अगेन विद द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर एनालिसिस फॉर 4th of October 2022 4 अक्टूबर 2022 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखते हैं। शुरू करते हैं सबसे पहले फ्रंट पेज की न्यूज़ आइटम्स के साथ, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट पहली न्यूज़ जो आपको दिख रही है वो है स्वीडिश साइंटिस्ट किट्स मेडिसिन नोबेल फॉर वर्क ऑन ह्यूमन इवोल्यूशन। यहाँ पे स्वीडन के एक साइंटिस्ट हैं जिनको कि नोबेल प्राइज़ मिला है फॉर द मेडिसिन फॉर वर्किंग ऑन ह्यूमन इवोल्यूशन। तो इन स्वीडिश साइंटिस्ट का नाम है स्वांते पाबो। सबसे पहले नाम याद रखिएगा, स्वांते पाबो इज़ द नेम ऑफ द पर्सन, याद रखिएगा, दिस इज़ द नेम। क्वेश्चन पूछता है और कई एग्जामों में पूछता है, स्वांते पाबो इज़ द नेम ऑफ द पर्सन। ही वॉन द नोबेल प्राइज़ फॉर मेडिसिन इन अ सेरेमनी विच वॉज देयर फॉर नोबेल प्राइज़। तो सबसे पहले याद रखिएगा ये फैक्ट। सबसे पहले अगर बात करें हम नोबेल प्राइज़ की, तो 1895 में 27 नवंबर 1895 को अल्फ्रेड नोबेल जो थे उन्होंने अपनी विल साइन की, और विल एंड टेस्टामेंट में उन्होंने कहा कि जितना भी उनका वेल्थ है, जितना भी उनका फॉर्च्यून है, वो डिवाइड करेंगे इन द नोबेल प्राइजेस फॉर फिजिक्स केमिस्ट्री फिजियोलॉजी और मेडिसिन, यानी कि फिजियोलॉजी या मेडिसिन एंड लिटरेचर एंड पीस, ठीक है ना। तो इन्होंने एक्चुअली 5 नाम दिए थे, फिजिक्स केमिस्ट्री मेडिसिन या फिजियोलॉजी लिटरेचर एंड पीस नोबेल प्राइजेस के लिए। 1968 में स्वेरिज रिक्स बैंक है, स्वेरिज रिक्स बैंक, ये स्वीडन का ही सेंट्रल बैंक है, जिसने कि कहा कि इकॉनमी का भी नोबेल प्राइज़ दिया जाएगा इन द मेमोरी ऑफ अल्फ्रेड नोबेल। तो कुल मिलाकर के ये 1968 में ऐड हुआ था, तो इकॉनमी का सबसे लेट ऐड हुआ था, ये भी आप एक फैक्ट याद रख सकते हैं। कुछ बेसिक फैक्ट्स, जैसे कि सबसे ज़्यादा बार किसको मिला, तो इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस जो है, इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस, उसको नोबेल प्राइज़ मिला है 3 बार उसको दिया गया है। इसके अलावा उसके फाउंडर यानी कि हेनरी ड्यूनांट को भी ये अवार्ड दिया गया था 1901। पहला ही नोबेल पीस प्राइज़ जो दिया गया था ना, नोबेल प्राइज़ फॉर पीस, वो हेनरी ड्यूनांट को दिया गया था, रेड क्रॉस के जो फाउंडर थे। इसके अलावा लाइनस पॉलिंग जो है, ही इज़ द ओनली पर्सन हु हैव बीन अवार्डेड 2 अनशेयर्ड नोबेल प्राइजेस। तो 2 बार अनशेयर्ड नोबेल प्राइजेज लाइनस पॉलिंग को दिए गए हैं। ही इज़ द 1954 नोबेल प्राइज़ विनर इन केमिस्ट्री एंड 1962 नोबेल पीस प्राइज विनर, ठीक है ना। तो लाइनस पॉलिंग का नाम याद रखेगा, 2 अनडिवाइडेड। अब हम स्वीडिश साइंटिस्ट स्वांते पाबो की अगर बात करें, तो ही हैज़ वॉन द नोबेल प्राइज़ इन मेडिसिन फॉर हिज डिस्कवरीज ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन दैट प्रोवाइडेड की इनसाइट्स इनटू आवर इम्यून सिस्टम एंड व्हाट मेक्स अस यूनिक कंपेयर टू विद आर एक्सटिंक्ट कजिन्स, जो हमारे एक्सटिंक्ट होमिनन्स थे, यानी कि नियंडरथल हो गए या कुछ ऐसे हो गए, तो उनसे हमको ऐसे किस तरीके से अलग हैं, ठीक है। दैट इज़ द थिंग विच वॉज देयर इन हिज स्टडीज। तो यहाँ पे देखो इनके काम लिखे हुए हैं, तो स्वांते पाबो ही हैज सिक्वेंस द जीनोम ऑफ नियंडरथल्स विच आर एक्सटिंक्ट रिलेटिव ऑफ द प्रेजेंट डे ह्यूमन, जैसे हम होमो सेपियंस बोलते हैं अपने आप को। इसके अलावा जैसे नियंडरथल थे, है ना ऑस्ट्रोपिथेकस थे, है ना, इस तरीके से अलग अलग होमिनन्स रहे हैं जो टाइम टू टाइम आए हैं, अलग अलग रीजन्स में गए हैं। तो ये जो नियंडरथल्स थे उनके जीनोम के सिक्वेंस किया था स्वांते पाबो ने, एंड इसके स्टडी करके उन्होंने देखा, ड्यू टू हिज डिस्कवरीज वी नाउ अंडरस्टैंड दैट द आर्काइक जीन सीक्वेंसेस फ्रॉम आर एक्सटिंक्ट रिलेटिव्स इन्फ्लुएंस द फिजियोलॉजी ऑफ द प्रेजेंट डे ह्यूमंस। तो इनके कामों के कारण हमको पता है कि किस तरीके से जो उनके जीनोम्स थे वो हमारे आज के प्रेजेंट डे उसके ऊपर इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, किस तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। एंड इसके अलावा इनके पिताजी जो थे स्यून के बर्गस्ट्रॉम, ही ऑल्सो वॉन द नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन 1982 अलॉन्ग विद मोल्सन एंड जॉन आरवेन फॉर देयर डिस्कवरीज कंसर्निंग प्रोस्टाग्लैडिन्स एंड रिलेटेड बायोलॉजिकली एक्टिव सब्सटेंसेस। तो प्रोस्टाग्लैडिन्स और एक्टिव बायोलॉजिकली एक्टिव सब्सटेंसेस के कारण इनके पिताजी यानी कि सुने के बर्गस्ट्रॉम को भी नोबेल प्राइज़ दिया जा चुका है, ठीक है ना, 1982 में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड काफ़ी इन्फ्लुएंशियल फैमिली से आ रहे हैं कुल मिलाकर के, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको बताना ज़रूरी था। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट, ये आपको समझ में आ गया होगा। रिमूव ऑनलाइन बेटिंग एड्स सेंटर टेल्स टीवी चैनल्स एंड न्यूज़ वेबसाइट्स। अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने एडवाइस दी है न्यूज़ वेबसाइट्स को और OTT प्लेटफॉर्म्स को एंड प्राइवेट टीवी चैनल्स को टू रिफ्रेन फ्रॉम पब्लिशिंग और ब्रॉडकास्टिंग एडवर्टाइजमेंट्स ऑफ ऑनलाइन बेटिंग प्लेटफॉर्म्स और एनी सरोगेट प्रोडक्ट डिपेक्टिंग दैम, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के इन्होंने ये कहा है कि एक तो ऑनलाइन बेटिंग का जो भी है,
मतलब एडवर्टाइजमेंट्स ऑफ ऑनलाइन बेटिंग प्लेटफॉर्म्स और एनी सरोगेट प्रोडक्ट डिपिक्टिंग देम शुड बी प्रोहिबिटेड। ठीक है ना, कोई भी चीज़ जो कि इस तरीके से ऑनलाइन बेटिंग को प्रमोट कर रही है उसको अब आपको नहीं दिखानी है। यू डोंट हैव टू शो एनी ऑफ द एड एडवर्टाइजमेंट दैट ब्रॉडकास्ट और एडवर्टाइजेज द ऑनलाइन बेटिंग। जैसे कई बार देखा होगा आपने, इस समय जब चलाओ आप कोई भी मोबाइल ऐप, चलो बीच में 20,000 जीत गया आपका भाई जुप्पी खेल करके, है ना, आता है ना एक ऐड आता है 20,000 जीत गया आपका भाई जुप्पी खेल करके, एक आता है जंगली रमी खेलना, जंगली रमी खेलोगे ऐसा होगा। तो ये सारी चीज़ें जो एड्स है, दीज एड्स आर व्हाट दे आर डूइंग, दे आर एडवर्टाइजिंग द ऑनलाइन बेटिंग, है ना, दे सॉर्ट ऑफ ऑनलाइन बेटिंग प्लेटफॉर्म ही एक तरीके से, है ना। And any violation regarding that might invite penal actions. And the ministry has said that in the advisory कि किसी भी तरीके का अगर violation होता है तो इसमें आपको penal provisions लगेंगे, ठीक है ना। And it also pointed out that the betting and gambling were illegal in most parts of India. चूँकि betting and gambling is illegal in most part of India, therefore advertisements of betting could not be shown. यहाँ कुल मिलाकर के इनका ये कहना है कि चूँकि ये banned है इसलिए आप इसको नहीं show कर सकते। It provided an indicative list of online betting platforms that were using news for surrogate advertising. तो कई ऐसे betting and gambling platforms है जो कि news का use कर रहे हैं, news का use करके उसको surrogate advertising एडवर्टाइजिंग के रूप में शो कर रहे हैं अपने आप को, ठीक है ना। एंड दिस इज़ अ सॉर्ट ऑफ थिंग। और ये एक मतलब सेंटर का ये कहना है, जो गाइडलाइंस है उसका ये कहना है कि इट इज़ अ मतलब इट गोज़ अगेंस्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट एंड इंडोर्समेंट्स फॉर मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स 2022 ऑर्डर, जो कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर गवर्नमेंट ने जारी किया था। तो कुल मिलाकर के जो एडवाइजरी है वो कुल मिलाकर ये कह रही है कि किसी भी तरीके से ऑनलाइन बेटिंग या गैम्बलिंग को आप प्रमोट नहीं कर सकते हैं, और ना ही किसी एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, ना ही किसी सरोगेट एडवर्टाइजमेंट के थ्रू आप इसको कर सकते हैं, ठीक है ना। अगली न्यूज़ है रिगार्डिंग अफ्सपा। अफ्सपा गवर्नमेंट मे लिफ्ट अफ्सपा इन 4 स्टेट्स आफ्टर द नागा पीस पैक्ट। तो अभी इट इज़ अनसर्टेनिटी, लेकिन फिर भी देर आर रीजंस टू बिलीव दैट गवर्नमेंट विल लिफ्ट अफ्सपा, यानी कि आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट, जो कि असम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश में मतलब कि मैं अभी लागू है ना। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने कहा है कि असम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, ये 4 स्टेट्स है जहाँ पे हो सकता है, इट माइट बी पॉसिबल दैट गवर्नमेंट में नोटिफाई टू रिड्यूस द डिस्टर्ब्ड एरियाज, या तो रिड्यूस करेगा डिस्टर्ब एरिया, है ना, और या फिर उसको पूरी तरीके से लिफ्ट कर देगा, ठीक है ना। एंड ये आपको पता होगा कि जो अफ्सपा एक्ट है उसका सेक्शन 3 जो है, सेक्शन 3 ऑफ द अफ्सपा एक्ट, इट सेज दैट किसी भी एरिया को डिस्टर्ब्ड एरिया के रूप में घोषित किया जा सकता है ना, या तो किसी एरिया को या पूरे के पूरे स्टेट को, है ना। तो याद रखेगा गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो नोटिफाई कर सकता है कि कौन से एरियाज डिस्टर्ब्ड एरियाज हैं, और जो डिस्टर्ब्ड एरियाज रहेंगे वहां अफ्सपा लागू होगा। ये सेक्शन 3 बोलता है, सेक्शन 3 बोलता है। अब जहां पे भी अफ्सपा लागू होता है वहां पे आर्मी के पास बहुत ज्यादा पावर्स, अनलिमिटेड पावर आ जाते हैं, जैसे कि गोली चलाने तक के पावर है। लेकिन गोली चलाने के पावर को याद रखेगा कि पहले उनको अनाउंस करना है, फर्स्ट दे हैव टू अनाउंस थ्राइस, देन दे हैव टू then they can do all those things, है ना। अरेस्ट without a warrant, ये सारी चीज़ें पावर में आती हैं ना, फॉर पीस एंड हारमनी इन द रीजन दे हैव दीज सॉर्ट ऑफ पावर्स एज वेल, ठीक है ना। एंड द एक्ट गिव्स अनब्रिडल्ड पावर्स टू द आर्म्ड फोर्सेज टू किल एनीवन एक्टिंग इन कंट्रावेंशन ऑफ लॉ। तो अगर कोई व्यक्ति लॉ के अगेंस्ट काम कर रहा है तो उसको गोली चलाने, उसके ऊपर गोली चलाने की, उसको मारने तक की पावर है, तो बहुत बड़ी बात है। दे कैन अरेस्ट एंड सर्च एनी प्रीमाइसिस विदाउट अ वारंट एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम प्रोसिक्यूशन एंड लीगल सूट्स विदाउट द सेंट्रल गवर्नमेंट सेक्शन। मतलब कि किसी भी एरिया में जा करके बिना वारंट के वो अरेस्ट कर सकते हैं, किसी भी एरिया को सर्च कर सकते हैं, एंड उनके अगेंस्ट आपको अगर एक्ट करना है तो फिर सेंटर से पहले परमिशन लेनी पड़ती है, यू हैव टू टेक द परमिशन अगेंस्ट देम, अगर आपको उनके अगेंस्ट एक्ट करना है तो, कि भाई किसी ने ऐसा काम किया तो, ठीक है। तो दैट इज़ द थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट, एंड ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। होप यू गॉट क्लैरिटी। इसको अफ्सपा के लिए डिस्टर्ब एरिया जो घोषित करता है, वो पावर जो है वो पावर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास वो पावर है, गवर्नर के पास वो पावर है ना, और इनका गवर्नर सेंट्रल से बोलेगा, सेंट्रल ऑब्वियस सी बात है, एंड देन लेफ्टिनेंट गवर्नर, अगर कोई यूटी है तो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास पावर है कि वो डिक्लेयर कर सकता है, बट ऑब्वियसली दे विल टेक द रिगार्ड्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट आल्सो। तो ये तो फ्रंट पेज के न्यूज़ आइटम्स होगा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। अब हम आज के क्वेश्चंस देख लेते हैं, लेट्स सी द क्वेश्चंस ऑफ टुडे। क्वेश्चंस कौन कौन से हैं।
कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट. तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट के रिगार्डिंग आपको बताना है. पहला स्टेटमेंट कह रहा है इट इज़ पब्लिश्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है इट इंक्लूड्स कंट्रीब्यूशंस फ्रॉम ऑल द फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर्स. सारे फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर्स इसमें इनपुट देते हैं. तो कौन सा स्टेटमेंट सही है, वन ओनली, टू ओनली, बोथ या नन? दिस इज द क्वेश्चन. आई होप यू विल ट्राई टू आंसर. ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में. इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बोथ. दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं. बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, है ना. ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया निकालता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, और दूसरा इसमें सारे फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर्स का इनपुट रहता है. तो दैट इज़ अगेन स्टेटमेंट राइट. दूसरा सवाल है कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स. अब यहाँ पे ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स लिखे हैं, उनके एसोसिएटेड इवेंट्स लिखे हुए हैं. तो आपको बताना है कितने, हाउ मेनी पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड. पहला लिखा है तांतिया भील, रॉबिन हुड ऑफ द सेंट्रल प्रोविंसेस. दूसरा लिखा है मेजर पावना ब्रजवासी, स्वतंत्र सेनानी, स्वतंत्रता सेनानी. हेलेन लेपचा हेल्प्ड नेताजी सुभाष चंद्र बोस टू स्केप फ्रॉम हाउस अरेस्ट. और चौथा लिखा है पुलीमाया देवी पोदार, हीरो ऑफ द एंग्लो मणिपुर वॉर. ठीक है, तो हाउ मेनी पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड. तो मुझे दो पेयर दिख रहे हैं जो करेक्टली मैच्ड हैं, और दो पेयर इंटरचेंज कर दिए गए हैं. सो लेट्स सी द आंसर करेक्ट. इसका आंसर है ओनली टू पेयर्स. ट्राइबल फ्रीडम फाइटर में तांतिया भील तो रॉबिन हुड हो गए, बिल्कुल सही है. मेजर पावना ब्रजवासी वॉज द हीरो ऑफ एंग्लो मणिपुर वॉर. एंड हेलेन लेपचा बिल्कुल सही है कि ही हेल्प्ड नेताजी सुभाष चंद्र बोस टू एस्केप फ्रॉम द हाउस अरेस्ट. एंड पुलीमाया देवी पोडार वॉज स्वतंत्रता सेनानी. तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस. आपको समझ में आ गया होगा आई होप, है ना. दिस इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दैट. तीसरा सवाल है विद रेफरेंस टू हसदेव अरण्य रीजन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. हसदेव अरण्य रीजन के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स दिए हैं. आपको बताना है कौन से स्टेटमेंट सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. तो यहाँ पे पहला जो स्टेटमेंट कह रहा है कि इट लाइज इन द कैचमेंट एरिया ऑफ द हसदेव रिवर इन छत्तीसगढ़. ठीक है, दूसरा कह रहा है कि द हसदेव रिवर इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द गोदावरी रिवर, है ना. कह रहा है कि द हसदेव रिवर इज़ द ट्रिब्यूटरी ऑफ द गोदावरी रिवर. तो पहला स्टेटमेंट तो देखो बिल्कुल सही है कि इट लाइज इन द कैचमेंट एरिया ऑफ द हसदेव रिवर छत्तीसगढ़, बिल्कुल सही है. दूसरा स्टेटमेंट कि हसदेव रिवर इज़ अ ट्रिब्यूटरी गोदावरी रिवर, ये गलत है, क्योंकि ये जो ट्रिब्यूटरी है वो महानदी की है, ना कि गोदावरी की. तो दैट इज़ इनकरेक्ट स्टेटमेंट. तो पहला स्टेटमेंट इज़ राइट. तो वन ओनली विल बी द करेक्ट आंसर. आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल. आपको समझ में आ गया होगा. आज का मेन्स क्वेश्चन ऑफ द डे देख लीजिए. व्हाट कैन बी डन टू इम्प्रूव द स्टेटस ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, डिस्कस दिस इन द लाइट ऑफ मेजर चैलेंजेस टू द एजुकेशन सेक्टर. आपको बताना है कि व्हाट कैन बी डन टू इम्प्रूव द स्टेटस ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, एंड यू हैव टू डिस्कस दिस इन द लाइट ऑफ मेजर चैलेंजेस टू द एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया. एजुकेशन के जो मेजर चैलेंजेस है उनके रेफरेंस में आपको डिस्कस करते हुए बताना है. तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी. पहले आपको चैलेंजेस और फिर उसको कैसे इम्प्रूव करना ये भी बताना है. आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं. तो आप मेरे साथ बिल्कुल इजीली मूव कर सकते हैं, है ना. जो भी है 30 मिनट के अंदर आपको जो भी एनालिसिस बेस्ट पॉसिबल है वो पूरा मैं आपको देख करके दिखाऊंगा, है ना. कुछ भी आपका मिस नहीं होगा. एडिटोरियल पार्ट पे आते हैं. यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो बात चल रही है विद द रुपी अंडर प्रेशर व्हाट्स नेक्स्ट है. तो डी सुब्बा राव जी ने आर्टिकल लिखा है. तो आर्टिकल में सबसे पहले ऑथर ने बात किया कि अगर आप देखें तो एक साल में लगभग 10% रुपया डिप्रिशिएट हो चुका है, और 80 रुपये का जो साइकोलॉजिकल मार्क है वो भी क्रॉस कर चुका है. हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो 100 बिलियन डॉलर से कम हो चुका है, मतलब इट हैज डिक्रीज्ड बाय 100 बिलियन डॉलर. एंड रुपीज फॉलिंग ऑन द अकाउंट ऑन टू फैक्टर्स, मेनली दो फैक्टर्स यहाँ पे डी सुब्बा राव जी ने बोले हैं. फर्स्ट है वाइडनिंग द करंट अकाउंट डेफिसिट, मेनली ओइंग टू द राइज ऑफ द प्राइस ऑफ ऑयल ट्रिगर्ड बाय द यूक्रेन वॉर. तो पहला तो उन्होंने कहा कि ऑयल का जो प्राइस है दैट हैज राइजन बिकॉज ऑफ the trigger of the Ukraine war. ठीक है ना. एंड दूसरा उन्होंने लिखा है कि सेकंड वन इज़ द स्ट्रेंथनिंग डॉलर विच इज़ बिकॉज ऑफ द इंटरेस्ट रेट हाइक बाय द फेडरल रिजर्व बैंक. तो दूसरा कि फेडरल रिजर्व बैंक जो बार बार इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है तो उस कारण से हमारा जो रुपया है वो वीक हो रहा है और वहाँ का डॉलर स्ट्रेंथन हो रहा है. ठीक है ना. अब ऑथर ने एक टर्म यूज़ किया, टेपर टैंट्रम टर्म यूज़ किया. तो लेट मी टेल यू एग्जैक्टली व्हाट टेपर टैंट्रम इज. देखो हुआ क्या था, 2007 और 9 में जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे या रिसेशन आए थे तो यूएस फेडरल रिजर्व ने क्या किया, बॉन्ड बाइंग प्रोग्राम शुरू किया. दे स्टार्टेड अ बॉन्ड बाइंग प्रोग्राम जिसको क्वांटिटेटिव ईजिंग बोलते हैं. ऑब्वियसली बॉन्ड बाय कर रहे हैं मतलब पैसा देंगे, बॉन्ड बाय करेंगे पैसा देंगे, बॉन्ड बाय करेंगे पैसा देंगे, पैसा देंगे तो मतलब लिक्विडिटी बढ़ाएंगे, लिक्विडिटी बढ़ाएंगे मतलब ग्रोथ को बढ़ाने के लिए था. ठीक है ना. तो कई
फंड्स मिलने के कारण कई इन्वेस्टर्स जो थे उन्होंने बॉन्ड्स में, ग्लोबल बॉन्ड्स में, स्टॉक्स में अप्लाई करना शुरू कर दिया। 2013 में यूएस फेडरल रिजर्व ने डिसाइड किया कि दे विल रिड्यूस या टेपर द क्वांटम ऑफ बॉन्ड बाइंग प्रोग्राम। तो वहाँ पे 2013 में इन्होंने डिसाइड किया कि नाउ दे विल रिड्यूस या फिर टेपर, रिड्यूस करना या टेपर करना, तो नाउ दे विल रिड्यूस दिस थिंग एंड दे विल रिड्यूस द बेसिकली बॉन्ड बाइंग प्रोग्राम एंड वॉट इट लेड टू द सडन सेल ऑफ ऑफ द ग्लोबल बॉन्ड्स एंड स्टॉक्स। तो सडनली जो ग्लोबल बॉन्ड्स थे, ग्लोबल स्टॉक्स थे, उनको बेचना लोगों ने शुरू कर दिया। तो सडनली दे स्टार्टेड डूइंग ऑल दिस थिंग, ठीक है ना। एंड 2013 में द US फेडरल, मतलब ये जब हुआ, इसके बाद बॉन्ड्स ऑब्वियसली जब बॉन्ड दोबारा से बेचना शुरू कर देंगे लोग तो उसकी प्राइजेस घटेंगी, प्राइस घटेगी तो ईल्ड बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से बॉन्ड ईल्ड और बॉन्ड प्राइस का भी वहाँ पे इस समय देखा गया था। तो जो मैनी इमर्जिंग इकोनॉमीज थी, तो व्हाट दे डू इज़ दैट दे सफर्ड करेंसी डिप्रिशिएशन आउटफ्लोज ऑफ द कैपिटल, क्योंकि सब लोग बॉन्ड बेचने में लग गए थे, है ना। तो दिस लेड टू ग्लोबली एस टेपर टैंटम, इसी को टेपर टैंटम बोलते हैं, 2013 में हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पे ऑथर ने देखो बोला है कि देखो अब हमारा जो, वैसे तो अगर हम देखें तो ऑयल का प्राइसेस थोड़ा थोड़ा घटना शुरू हो गया है और ओवरऑल मार्केट भी स्टेबलाइज हो रहा है थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे विद रेफरेंस टू दैट। तो क्या हम ये मान लें कि कंडीशन इंप्रूव हो गई? तो ऑथर ने कहा नहीं, ऐसा नहीं मान सकते कि कंडीशन इंप्रूव हो गई है, अभी तो बहुत सारी चीज़ें फेस करनी, चाहे वो करंट अकाउंट डेफिसिट हो चाहे फिस्कल डेफिसिट हो। तो दो मेजर वल्नरेबिलिटीज जो इंडिया के सिस्टम में है, वो पहली तो करंट अकाउंट डेफिसिट जो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट वाला चल रहा है ना, हमारा एक्सपोर्ट कम हो रहा है, हमारा इंपोर्ट ज़्यादा हो रहा है। तो दैट इज़ द मेजर प्रॉब्लम, इंपोर्ट ज़्यादा क्यों हो रहा है, ऑब्वियसली चाहे ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे हो चाहे कुछ भी बढ़ रहा हो, तो इस कारण से हो रहा है। दूसरा ऑथर ने कहा कि जो हमारी बोरोइंग है, जो हमारा फिस्कल डेफिसिट है, वो भी काफ़ी ज़्यादा है। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निकल पॉइंट जो कि कहीं ना कहीं हमको लॉन्ग रन में हिट कर सकते हैं। और तीसरा ऑथर ने पॉइंट जो बताया वो ये है कि ग्लोबल जो है, ग्लोबली भी एक स्लो डाउन है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया इंपैक्ट हो रहा है, इट्स अ सॉर्ट ऑफ ग्लोबल स्लो डाउन। और ग्लोबल स्लो डाउन के कारण जो उसके आफ्टर इफेक्ट्स हैं वो इंडिया की इकॉनमी में भी आएंगे, अभी तो बहुत कम आए हैं। इनफैक्ट इंडिया की इकॉनमी तो अभी, मतलब इंडिया का जो करेंसी है वो बहुत कम डिप्रिशिएट हुआ है, दूसरी कंट्रीज में डिप्रिशिएशन और ज्यादा है अगर आप देखें तो। तो दैट इज द थिंग विच ऑथर सेज कि यहां ऐसा हमको समझना पड़ेगा कि इंडिया की जो वल्नरेबिलिटी है वो उसकी फिस्कल डेफिसिट और करंट अकाउंट डेफिसिट के अकाउंट में है, तीसरा ग्लोबल स्लो डाउन जो हो रहा है वो भी इंपैक्ट करेगा, ठीक है ना। और इनफैक्ट ऑथर ने एग्जांपल देखिए 1991 और 2013 दोनों बार जब इंडिया में सीवियर बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आए थे, तो अगर आप देखें तो इसका कंसीक्वेंस कहीं ना कहीं फिस्कल डेफिसिट वॉज द फैक्टर, है ना, फिस्कल डेफिसिट ही बहुत ज्यादा हमारा बढ़ गया था। एंड ऑथर ने वही कहा कि अभी हमारी, हाँ हालांकि कंडीशन अलग है, 1991 में बिल्कुल अलग थी, हमारे फंडामेंटल्स बहुत वीक थे 1991 में, लेकिन अभी हमारे फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग है ना। तो दैट इज़ द थिंग विच ऑथर सेज इज देयर। एंड हाँ, ये हमको लेकिन समझना पड़ेगा कि किस तरीके से हम इसको मैनेज करें, है ना, अपने फॉरेक्स रिजर्व को किस तरीके से मैनेज करें। और ऑथर ने कहा कि फॉरेक्स रिजर्व जो हमारा अभी बचा है फिलहाल, वो भी बहुत कम हो चुका है, मतलब अगर आप देखें तो आप 17% के आसपास बचा हुआ है ना, इट हैज़ डिक्लाइंड टू अबाउट 17% जो हमारा, क्योंकि अगर आप फॉरेक्स रिजर्व देखते हो कि भैया कितना है फॉरेक्स रिजर्व, तो आप उसको जीडीपी के परसेंटेज के बेसिस में देखते हो, तो पहले ये रेशियो मार्च में 21-22% के आसपास था, अभी केवल 17% बचा है, तो ज़्यादा नहीं है। 2013 में 15% तक चला गया था, वहाँ पे भी क्राइसिस की कंडीशन थी। तो ऑथर ने वही कहा कि आप थोड़ा डिप कर रहे हैं, तो इसको भी हमको बैलेंस करना पड़ेगा। एक और टर्म यहाँ पे ऑथर ने यूज़ किया वो मैं आपको बता दूँ, द बर्न रेट। बर्न रेट मतलब कि कितना जल्दी जो हमारे रिजर्व्स हैं वो फॉल कर रहे हैं, कितना जल्दी हमारे जो रिजर्व्स हैं फॉरेक्स रिजर्व हो गया वो गिरते जा रहे हैं, तो इसको बोलते हैं द बर्न रेट। इससे भी जो इंटरनेशनल परसेप्शन है वो भी चेंज होता है, ठीक है ना, दैट इज़ द थिंग। अब यहाँ पे ऑथर ने लास्ट में देखो बहुत अच्छी चीज़ लिखी है, वीकर रुपी विल बी इन्फ्लेशनरी, द रुपया अगर वीक होगा तो इन्फ्लेशन तो बढ़ेगा, दैट इज़ द श्योरिटी, बट आरबीआई शुड डील विद दैट विद इट्स मॉनेटरी पॉलिसी एज इट इज़ ऑलरेडी डूइंग। को आरबीआई को वो काम अपना करते रहना जो ऑलरेडी वो करने में एक्सपर्ट है, दैट इज हाउ टू मैनेज दिस वोलेटिलिटी। वी लिव इन अ डिफिकल्ट वर्ल्ड वेयर मैक्रो इकोनॉमिक मैनेजमेंट इज अ हॉस्टेज टू ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशन। और देखो कितनी अच्छी लाइन है, अवर मैक्रो इकोनॉमिक मैनेजमेंट इज हॉस्टेज टू ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशन, मतलब कि इकोनॉमिक ग्लोबली कैसे चल रही है वो भी डिटरमाइन करेगी कि हमारी हमारे कंट्री की जो लोकल इकोनॉमी है कैसी है, है ना। एंड इनफैक्ट 1971 में जॉन बी कॉनली ने कहा था, डॉलर इज़ आर करेंसी बट इट इज़ योर प्रॉब्लम, डॉलर इज़ आर करेंसी बट इट इज़ योर प्रॉब्लम। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कुछ कोट्स हैं जो कि आप लिख लीजिएगा अपने आंसर राइटिंग के लिए एंड इसको यूज़ भी करिएगा।
डिसाइसिव शिफ्ट इन द डिस्कोर्स ऑफ ऑन अबॉर्शन राइट्स। अब ये आर्टिकल लिखा गया रिसेंटली, जो अनमैरिड वुमेन को, अनमैरिड गर्ल्स जो हैं उनको भी अबॉर्शन के राइट्स दे दिए गए हैं इन ऑन इक्वल फुटिंग विद दैट ऑफ द मैरिड वुमेन। तो इस कारण से ऑथर ने कहा कि देखो पांच एस्पेक्ट्स हैं इस जजमेंट को जिस इंडिजन एस्पेक्ट्स के बेसिस पर हमको देखना चाहिए। फर्स्ट, इट एक्नोलेजेस द कंटेक्स्ट ऑफ क्रिमिनैलिटी इन विच एक्सेस टू अबॉर्शन इन इंडिया, दैट इज इंडियन पिनल कोड क्रिमिनलाइजेज एक्सेसिंग द और प्रोवाइडिंग द बेसिक अबॉर्शन राइट्स, है ना। तो ऑथर ने यहाँ पे कहा कि सबसे पहले तो ये जो जजमेंट है ये एनालाइज करता है कि अभी तक देखो किस तरीके से मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट जो था वो क्रिमिनल ऑफेंस बना करके रखा हुआ था इसने इसको, फॉर अनमैरिड वुमेन हो चाहे इसके पहले हम मैरिड वुमेन के केस में भी देखें तो आज भी अगर आप देखो तो अबॉर्शन करना अपने आप में क्रिमिनल ऑफेंस ही है। अगर आप अनटिल एंड अनलेस योर लाइफ और द लाइफ ऑफ द चाइल्ड इज अंडर थ्रेट और सम एक्स्ट्रॉर्डिनरी सर्कमस्टेंसेज इट इज स्टिल अ क्रिमिनल ऑफेंस, है ना। तो इस कंटेक्स्ट को, जो क्रिमिनलिटी का कंसेप्ट कंटेक्स्ट है उसको ये एक्नॉलेज करता है, ठीक है ना। दिस मींस दैट टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी दैट डज नॉट फॉल विद इन द रेलम ऑफ एमटीपी इज एन ऑफेंस अंडर द आईपीसी। तो इसको क्लियर करता है पहली चीज़ कि एमटीपी एक्ट के अंतर्गत अगर आपने अबॉर्शन नहीं किया तो ये एक क्रिमिनल ऑफेंस है, ठीक है ना। एंड दूसरा जो है, सेकेंड, द जजमेंट होल्ड्स अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिस्टिंक्शन दैट द लॉ थ्रू द रूल्स हैज मेड बिटवीन मैरिड एंड प्रेगनेंट, मैरिड प्रेगनेंट एंड अनमैरिड प्रेगनेंट। तो दूसरा जो है जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करता है जो डिस्टिंक्शंस बनाए गए थे मैरिड प्रेग्नेंट वुमेन और अनमैरिड प्रेग्नेंट वुमेन में। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा कि भैया क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन द मैरिटल स्टेटस इज इलीगल, मैरिटल स्टेटस के बेसिस पे अगर आप क्लासिफिकेशन करते हो तो वो इलीगल है, ठीक है ना। थर्ड, अगर आप देखो तो इट इज़ द एक्नॉलेजमेंट दैट अ प्रेगनेंसी विच इज़ द रिजल्ट ऑफ रेप कैन बी वन ड्यू टू फोर्स्ड सेक्सुअल इंटरकोर्स विद इन अ मैरिज एज वेल। तो तीसरा जो है मैरिटल रेप जो था, मैरिटल रेप अभी तक इसको हालांकि एक क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है लेकिन मैरिटल रेप के कारण भी फोर्स्ड प्रेगनेंसी हो सकती है, उसको एक रियलिटी माना गया है कि ये केवल ऐसा नहीं कि कोई मतलब ऐसा रेप हो जिसमें मैरिज ना हो, इट कैन बी अ फोर्स्ड रेप इन अंडर द रिलेशनशिप ऑफ मैरिज ऑल्सो, है ना। तो इनको क्योंकि भैया वो भी एक फोर्स्ड प्रेगनेंसी ही मानी जाएगी, ठीक है ना। एंड फोर्थ एस्पेक्ट इज द एक्नॉलेजमेंट ऑफ कंसर्न्स विद असेसिंग सेफ एंड लीगल मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी मेथड्स और सर्विसेज। अभी तक होता क्या था कि अगर आपने अनमैरिड वुमेन को अलाउ नहीं किया तो जैसा कि मैंने कल बताया था कि वो क्वैक्स के पास जाएंगी जिनके पास मतलब प्रॉपर डॉक्टरी नॉलेज नहीं है, उनके पास जाएंगी करवाने के लिए अपना अबॉर्शन। तो ये उनकी हेल्थ के लिए, उनके बच्चे की हेल्थ के लिए या उनकी लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ऐसे में फिर क्या होगा, ऐसे में क्या किया गया है? तो उन्होंने बेसिकली ये कहा गया है कि अगर ये डिस्टिंक्शन ही नहीं रहेगा तो उनको नहीं जाना पड़ेगा, फिर वो डॉक्टर के पास जा सकते हैं, ठीक है ना। और आपको वो मैंने एक रेवोल्यूशन के बारे में बताया था, कोट हैंगर, याद है आप लोग को, कोट हैंगर रेवोल्यूशन, जिसमें मैंने बताया था कि अमेरिका में कई बार ऐसा देखा गया था कि वहाँ पे जब अबॉर्शन राइट्स छीने गए तो कोट हैंगर्स का यूज़ करके वो अबॉर्ट खुद अबॉर्ट करने लगे कोट हैंगर के कारण के यूज़ से, जो कि उनकी लाइफ थ्रेट उसकी उनकी लाइफ ले रहा था। तो ये भी एक चीज़ है जो कि एनालाइज हुई है। फिफ्थ एस्पेक्ट इसमें रिकॉग्निशन ऑफ द फैक्ट दैट द लॉ इन इट्स करेंट फॉर्म इज नॉन इंक्लूसिव एंड द टर्मिनोलॉजी शुड बी एक्सक्लूजनरी, है ना। तो इट रिकॉग्नाइजेस दैट एक्स्ट्रा लीगल रिक्वायरमेंट दैट मेडिकल प्रैक्टिशनर्स इंसिस्ट अपॉन बिफोर प्रोवाइडिंग एमटीबी सर्विसेज ओनली टू सेफगार्ड देमसेल्व्स ड्यू टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्रिमिनलिटी। तो क्या होता था अभी तक क्या होता था कि मेडिकल सर्विस प्रोवाइडर्स जो थे, मेडिकल मतलब प्रैक्टिशनर्स जो थे वो भी काफ़ी एक्सक्लूजनरी बिहेवियर रखते थे, भाई किसी को दे रहे हैं किसी को नहीं दे रहे, उनको भी तो खुद को बचाना है ना। तो दैट वाज द थिंग। और इसके अलावा जो अभी एक नया इसमें एक फंडा ये है कि मतलब आपको मतलब अगर विक्टिम जो है अगर वो चाहता है कि आप उसके नाम को उजागर ना करें तो पहले ये था कि आपको बताना पड़ता था, बट नाउ दे हैव सेड दैट नो यू डोंट नीड टू से अगर उनकी परमिशन नहीं है तो, ठीक है ना। तो दैट वाज अगेन अ सिंगल वुमेन के केस में अगर वो चाहे तो नहीं बताने का प्रोविजन भी कर दिया गया ताकि इसमें मेडिकल सर्विस प्रोवाइडर भी वो ना हो और ईजिली वो कैरी आउट कर सके अपने जजमेंट को, अपने काम को। तो दैट वाज द थिंग विच वाज देयर। तो इट इज़ वेरी प्रोग्रेसिव इन नेचर, ऑथर ने कुल मिलाकर कहा द जजमेंट इज़ वेरी वेरी प्रोग्रेसिव इन नेचर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। द मीडिएशन बिल 2021, अब मीडिएशन बिल आ चुका है 2021 का, इंट्रोड्यूस किया गया राज्यसभा में। तो मैं आपको बता दूं मीडिएशन एक आपका एक इट इज़
प्रोसेस ऑफ अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। तो याद रखिएगा ADR के अंतर्गत आता है मीडिएशन। ADR के अंदर मतलब कि अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, जब दो पार्टीज के बीच में डिस्प्यूट हो जाए। तो अभी तक हम क्या जानते थे कि भैया कोर्ट जाता है व्यक्ति, कहाँ जाता है, कोर्ट जाता है। बट अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के बहुत सारे तरीके हैं। अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के अंदर आपका पहले तो एक तरीका है रिकंसिलिएशन, है ना, रिकंसिलिएशन हो गया। एक हो गया आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन में क्या होता है, एक आर्बिट्रेटर होता है। आर्बिट्रेटर क्या करता है, उसको दोनों पार्टी पहले रखती हैं, आर्बिट्रेटर को एग्री करती हैं और फिर आर्बिट्रेटर का जजमेंट बाइंडिंग होता है, ठीक है। तीसरा एक तरीका है मीडिएशन। मीडिएशन में इसमें दो पार्टीज मीडिएट करती हैं, एक मीडिएटर होता है ना। लेकिन यहाँ पे वही वाली बात है कि आर्बिट्रेटर से थोड़ा मतलब आर्बिट्रेटर का जजमेंट जैसे बाइंडिंग होता है, मीडिएटर में ऐसा नहीं होता है ना। मीडिएशन में दोनों पार्टी को ही रिकनसाइल करना पड़ता है, ठीक है। तो ये हो गया मीडिएशन। अब ये मीडिएशन बिल जो है लाया गया है, ये बिल प्रपोज करता है बहुत इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें हैं, मैं आपको बता दूँ वन बाय वन। सबसे पहली जो चीज़ है, बिल प्रपोजेज मैंडेटरी मीडिएशन बिफोर लिटिगेशन। लिटिगेशन यानी कि जब वो केस कोर्ट में जाए, इससे पहले लिटिगेशन के स्टेज से पहले मैंडेटरी मीडिएशन करना है उसमें, है ना। एंड इट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। हाँ, हालांकि अगर किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट में या एडजुडिकेटरी फोरम में अर्जेंट रिलीफ के लिए जाना है तो लिटिगेंट्स जा सकते हैं, लेकिन उनका प्रॉपर रीज़न होना चाहिए क्यों आपने मीडिएशन फॉलो नहीं किया। देर शुड बी प्रॉपर रीज़न फॉर दैट। एंड मीडिएशन प्रोसेस विल बी कॉन्फिडेंशियल एंड इम्यूनिटी इज प्रोवाइडेड अगेंस्ट इट्स डिस्क्लोजर इन सर्टन केसेस। कई ऐसे केसेस रहते हैं जहाँ पर मीडिएशन जो रहेगा दैट विल बी कॉन्फिडेंशियल एंड इम्यूनिटी प्रोवाइड की जाएगी फॉर इट्स डिस्क्लोजर। ये रूल है। इसके अलावा इट ऑल्सो एस्टैब्लिशेस द मीडिएशन काउंसिल ऑफ इंडिया, जो कि एक एपेक्स बॉडी के रूप में काम करेगी, मीडिएशन काउंसिल ऑफ इंडिया। एंड इट विल प्रोवाइड, द बिल इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग फॉर कम्युनिटी मीडिएशन, है ना। कम्युनिटी मीडिएशन का भी प्रोविजन दिया गया। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला, एक तो मीडिएशन को मैंडेटरी किया गया है बिफोर लिटिगेशन, लेकिन उस केस में आपको याद रखना है कि अगर अर्जेंट रिलीफ चाहिए तो आपके पास कोर्ट या फोरम में जाने की परमिशन भी है, लेकिन हाँ आपके पास प्रॉपर रीजनिंग होनी चाहिए। दूसरा, मीडिएशन जो रहेगा आपकी कॉन्फिडेंशियल रहेगी प्रोसेस कुछ केसेस में, और इम्यूनिटी रहेगी कि आप उसको डिस्क्लोज ना करें। इसके अलावा एक मीडिएशन काउंसिल ऑफ इंडिया बनाई जाएगी जो कि अपेक्स बॉडी के रूप में काम करेगी। एंड देन इसके अलावा कम्युनिटी मीडिएशन के लिए भी प्रोविजंस बनाए गए हैं। इसके अलावा अकॉर्डिंग टू द बिल, द प्री लिटिगेशन मीडिएशन इज मैंडेटरी फॉर बोथ पार्टीज बिफोर फाइलिंग एनी सूट और प्रोसीडिंग इन अ कोर्ट। तो प्री लिटिगेशन मीडिएशन जरूरी है। पार्टीज हु फेल टू अटेंड प्री लिटिगेशन मीडिएशन विदाउट अ रीजनेबल रीजन मे इनकर अ कॉस्ट। तो जैसे जो पार्टी फेल करेंगी फॉर प्री लिटिगेशन मीडिएशन विदाउट अ रीजनेबल रीजन, जैसे मैंने आपको बताया एक रीजनेबल रीजन होना चाहिए, तो अगर आप बिना रीजनेबल रीजन के करेंगे तो आपको एक कॉस्ट लगेगी, पेनल्टी लगेगी, ठीक है ना। हाउएवर अब कुछ लोग क्रिटिक ये करते हैं कि आर्टिकल 21 कहता है भैया एक्सेस टू जस्टिस इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, तो आप इसको रिस्ट्रिक्टेड कैसे बना रहे हो। तो इसका जो सबसे बड़ा क्रिटिक है वो ये है कि आर्टिकल 21 कहता है कि भाई राइट टू मतलब एक्सेस टू जस्टिस इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, है ना। एक्सेस टू जस्टिस इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, तो हाउ कैन यू डिनाई दैट या हाउ कैन यू रिस्ट्रिक्ट दैट। फर्दर मोर द बिल कंसिडर, अब देखो एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इंडिया जो है वो आपको पता है सिंगापुर कन्वेंशन का सिग्नेटरी भी है। इंडिया जो है वो सिंगापुर कन्वेंशन का सिग्नेटरी है। सिंगापुर कन्वेंशन आपको पता होगा, इट वॉज देयर। एंड सिंगापुर कन्वेंशन इज ऑन मीडिएशन, है ना। इट इज सिंगापुर कन्वेंशन ऑन मीडिएशन एंड इंडिया जो है इसका सिग्नेटरी है। अब एक याद रखिएगा, इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा ये चीज़ देखते हैं कि भैया सिंगापुर कन्वेंशन का सिग्नेटरी है तो क्या है कैसा है ये सब देखते हैं। लेकिन आपने जैसे ही बोल दिया कि अगर कोई मतलब जैसे ही इन्होंने क्या बोला अपने बिल में कि जो भी लिटिगेशन यहाँ पे सॉल्व होंगे मतलब मीडिएशन के थ्रू, उनको हम डोमेस्टिक लिटिगेशन के रूप में देखेंगे, ठीक है ना। तो ऑल दोज थिंग्स विच आर सॉल्व इन इंडिया, तो यहाँ पे लिखा द बिल कंसीडर्स इंटरनेशनल मीडिएशन टू बी डोमेस्टिक व्हेन इट इज़ कंडक्टेड इन इंडिया। अगर डोमेस्टिक बॉर्डर्स के अंतर्गत ये मीडिएशन हो रहा है या मीडिएशन जो हो रहा है, तो इंटरनेशनल मीडिएशन ना मान करके उसको डोमेस्टिक मीडिएशन मानेंगे। और डोमेस्टिक मीडिएशन मानेंगे तो मतलब कि वो जजमेंट या डिग्री ऑफ द कोर्ट के बराबर रहेगा, और सिंगापुर कन्वेंशन जो है वो जजमेंट और डिक्री ऑफ कोर्ट पे लागू होता नहीं है। तो इन्वेस्टर्स इसलिए इससे ज़रूर बचेंगे इस चीज़ से कि इसको ना कंसीडर किया जाए, ठीक है ना। तो इसको अगर इंटरनेशनल मीडिएशन माना जाता तो ठीक था, लेकिन अब इसको अगर डोमेस्टिक लिटिगेशन आप मान लोगे, डोमेस्टिक मीडिएशन मानोगे, तो फिर वहाँ पर जजमेंट या डिग्री के रूप में मानोगे, और जजमेंट और डिग्री के ऊपर सिंगापुर कन्वेंशन लागू नहीं होता है। सो दैट इज़ अ थिंग। अगली न्यूज़ है चेंजेस इन द UAE's इमिग्रेशन रूल्स। तो कुछ चेंजेस किए गए हैं UAE के वीज़ा रूल्स में। उन्होंने तीन कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है, एक एंट्री वीज़ा,
एक ग्रीन वीज़ा और एक गोल्डन वीज़ा है ना। यूएई ने इंट्रोड्यूस किया एंट्री वीज़ा जिसमें कोई भी स्पॉन्सर नहीं लगेगा फॉर द विजिटर है ना, दे विल नॉट रिक्वायर एनी स्पॉन्सर फॉर द विजिटर। ऑल एंट्री वीज़ाज विल नाउ बी अवेलेबल फॉर सिंगल और मल्टीपल एंट्रीज। तो एंट्री वीज़ाज सिंगल और मल्टीपल एंट्रीज के लिए रहेंगे एंड वैलिड फॉर 60 डेज है ना, पहले 30 दिन के लिए वैलिड थे, अब ये 60 दिन के लिए वैलिड रहेंगे। दूसरा है 5 ईयर का ग्रीन रेजिडेंशियल वीज़ा है विच इज़ एम्ड एट अट्रैक्टिंग स्किल्ड प्रोफेशनल्स, फ्रीलांसर्स, इन्वेस्टर्स एंड एंटरप्रेनर्स है ना। एंड पहले ये 2 साल के लिए दिया जाता था रेजिडेंस वीज़ा, पहले 2 साल के लिए, आपको 5 साल के लिए ग्रीन वीज़ाज के रूप में आएंगे। और तीसरा जो है 10 साल का गोल्डन वीज़ा है, नाउ देर इज़ अ 10 ईयर गोल्डन वीज़ा एज वेल, तीसरा जो है 10 साल का गोल्डन वीज़ा है ना। तो दैट इज़ अ न्यू थिंग विच इज़ देयर, और ये आपको पता होना चाहिए। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है गोल्डन वीज़ा स्कीम अलॉन्ग कैटेगरीज ऑफ पीपल टू सिक्योर द कोवेटेड 10 ईयर वीज़ा। साइंटिस्ट हो गए, स्किल्ड वर्कर्स हो गए, एक्सेप्शनल टैलेंट, रियल इस्टेट इन्वेस्टर्स, एंटरप्रेनर्स, स्टूडेंट्स, ह्यूमैनिटेरियन पायनियर्स, डॉक्टर्स एंड नर्सेस हैव आल्सो बीन इंक्लूडेड इन दिस लिस्ट, ठीक है ना। तो दैट इज़ द थिंग विच इज़ देयर, और ये सारी चीज़ें हैं। नाउ दे आर ट्राइंग टू अट्रैक्ट द टैलेंटेड पीपल, ट्राइंग टू अट्रैक्ट द बेटर जॉब्स पर्सन इन ऑल, इन सबको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। आगे मूव करते हैं। यूनकिंग टैंग बैक्स द शस्त्र रामानुजम प्राइज फॉर 2022 फॉर कंट्रीब्यूशन इन द मैथ्स। तो शस्त्र रामानुजम प्राइज जो है 2022 का, इट विल बी अवार्डेड टू यूनकिंग टैंग, असिस्टेंट प्रोफेसर विद द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कली यूएसए। तो यूनकिंग टैंग याद रखेगा, यूनकिंग टैंग असिस्टेंट प्रोफेसर विद द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कली, एंड ही विल बी अवार्डेड द शस्त्र रामानुजम प्राइज फॉर 2022। द अवार्ड इज इंस्टीट्यूटेड बाय शनमुख आर्ट साइंस टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च एकेडमी, जो शस्त्र एकेडमी है 2005 में इसने स्टार्ट किया था। कैश प्राइस $10,000 का है इसमें। इट्स प्रेजेंटेड एनुअली टू अर्न इंडिविजुअल्स एज्ड 32 एंड बिलो। अब ये किसको दिया जाता है, 32 या उससे कम उम्र के ही व्यक्ति को दिया जाता है। Who made outstanding contribution in the field of mathematics, ठीक है ना, and it was influenced by श्री रामानुजम है ना। तो that is the thing which is there, and शस्त्र अवार्ड याद रखिएगा, यूनकिंग टैंग, ठीक है। that is the thing which is there, I hope you got clarity। आगे मूव करते हैं। मनरेगा टू फंड वर्क्स टू रिवर्स डेजर्ट, टू रिवर्स डेजर्टिफिकेशन ऑफ लैंड अक्रॉस द स्टेट। अब ये न्यूज़ आप देखिएगा, इसमें क्या है कि 2 स्कीम्स को जोड़ा जा रहा है। एक तो आपकी मनरेगा यानी कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम हो गई, और दूसरी है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और मनरेगा को जोड़ा जा रहा है, क्यों? क्योंकि दोनों का काम लगभग सेम है, डेजर्टिफिकेशन से रोकना है ना, वाटर के अच्छे प्रबंध करना, सिंचाई का प्रबंध करना, एंड जो लैंड का डिग्रेडेशन हो रहा है, डिटेरियरेशन हो रहा है या उसका डेजर्टिफिकेशन हो रहा है, उसको स्टॉप करना। तो सबसे पहले ऑथर ने डेटा दिया है कि एक तो डेजर्टिफिकेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन एटलस थी, जिसको कि एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने पब्लिश किया था। क्या नाम था इसका? डेजर्टिफिकेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन एटलस, ठीक है ना। इसको एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने पब्लिश किया था, जिसमें कहा था कि एटलीस्ट 30% इंडिया का टोटल जो जियोग्राफिकल एरिया है वो डिग्रेडेड लैंड की कैटेगरी में आता है, 30%, ठीक है ना। इसमें से झारखंड, राजस्थान, दिल्ली, गुजरात, गोवा, इनमें मोर देन 50% इज डेजर्टिफाइड, और कुछ स्टेट्स अच्छे हैं जहाँ पे लेस देन 10% डिग्रेडेशन है, वो है केरला, असम, मिजोरम, हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब एंड अरुणाचल प्रदेश, ठीक है ना। यहाँ पे लेस देन 10% लैंड डिग्रेडेशन है। अब ऑथर ने यहाँ पे कहा, जैसे कि जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, अगर आप देखें तो वहाँ पे ड्रेनेज लाइन ट्रीटमेंट है, सॉइल एंड मॉइस्चर कंजर्वेशन की बात की जाती है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात की जाती है, नर्सरी रेजिंग की बात की जाएगी, एफॉरेस्टेशन की बात की जाएगी, हॉर्टिकल्चर एंड पास्चर डेवलपमेंट की बात की जाती है। तो उन्होंने बोला कि ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मनरेगा फंड्स एंड मनरेगा वर्कर्स। तो इसमें मनरेगा फंड का भी यूज़ करेंगी गवर्नमेंट्स और मनरेगा वर्कर्स का भी यूज़ करेंगे, ठीक है ना। एंड ये थोड़ा गलत है, क्योंकि वैसे भी ऑलरेडी मनरेगा को बहुत कम पैसा मिलता है, तो लेट्स सी कि किस तरीके से गवर्नमेंट प्रोविजन करती है। रिसेंटली एक और चीज़ ऑथर ने बताई कि जो टारगेट है लैंड रिस्टोरेशन का, डिग्रेडेड लैंड के रिस्टोरेशन का, वो इंडिया ने इम्प्रूव किया था। मतलब पहले 21 मिलियन हेक्टेयर लैंड वो बोल रहे थे करेंगे बाय 2030, बट उन्होंने इसको बढ़ा दिया और कहा अब 26 मिलियन हेक्टेयर लैंड जो डिग्रेडेड लैंड है उसको रिस्टोर करेंगे बाय 2030। ये कब किया? UNCCD यानी कि यूनाइटेड नेशन जो कन्वेंशन होता है टू प्रोटेक्ट डेजर्टिफिकेशन, UNCCD, उसके COP 14 में, COP 14। तो याद रखिएगा, मैं थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा बता दूं कि COP 14 जो था वो आपका दिल्ली में हुआ था, ग्रेटर नोएडा में हुआ था, सॉरी दिल्ली में नहीं, ग्रेटर नोएडा में हुआ था,
ठीक है ना, COP14 जो हुआ था UNCCD का 2019 में हुआ था और ग्रेटर नोएडा में हुआ था, ठीक है ना, तब दिल्ली डिक्लेरेशन आया था तभी हमने बढ़ाया था। अभी COP15 भी हो चुका है, COP15 2022 में भी मई में हुआ था, कोट डिवॉयर जो आपका वेस्टर्न अफ्रीका नेशन है, तो कोट डिवॉयर में ये हुआ था, है ना, कोट डिवॉयर में किया गया था, तो COP15। तो ये दोनों याद रखेगा, आई होप यू विल रिमेंबर दीज फैक्ट्स। तो यहाँ पे देख लेते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स है, यहाँ तो ऐसी कोई न्यूज़ आर्टिकल दिख नहीं रहा है। सो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।